उदयपुर जिले के अंतर्गत सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दूंगा कि बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य के अंदर उदयपुर के तमाम मीडिया कर्मियों ने यहां पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं तहे दिल से हृदय की ओर से आभार प्रकट करता हूं मैं, और मैं अंबेडकर जयंती समारोह का समारोह की पूरी की टीम के जो अध्यक्ष शैलेंद्र जी चौहान के निवास स्थान के पर तमाम सारे मीडिया कर्मियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पूरे देश के अंदर उदयपुर जिले में और पूरे देश में ये खबर दी, और ये तो पूरे देश में खबर है कि 133वीं जन्म जयंती समारोह है बाबा साहब की। और उन महापुरुषों ने एससी एसटी ओबीसी ही नहीं बल्कि 36 कौम के लोगों को बाबा साहब ने एक संविधान जो दिया था, वो संविधान एक बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा अवैध तोहफा दिया था इस देश जो चल रहा है संविधान से चल रहा है। तो इसी कड़ी के अंदर में हमारे बीच में नारी शक्ति भी विराजमान है, ललिता जी कल्याणा साहब कल्याणा जी और जया जी बीरवाल भी हमारे बीच में विराजमान है, क्योंकि पीएस और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में पीएस खिची साहब भी विराजमान है, देवीलाल जी दाणा साहब भी विराजमान है, अंबाला जी मेघवाल साहब जो राजस्थान मेघवाल समाज के उदयपुर जिला के जिलाध्यक्ष ये भी विराजमान है, और पूरी कमेटी अम्बेडकर जयंती समारोह की पूरी टीम यहाँ पर विराजमान है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एससी एसटी और तमाम देश के जितने भी 36 कौम के तबका के जो लोग हैं सभी को मिलकर के इस देश के अंदर बड़े ही धूमधाम से 14 अप्रैल की जो जयंती है इसको बड़े ही धूमधाम से मनाई जाए। मैं पुनः एक बार फिर से मेरा स्वयं का परिचय देते हुए बालूराम मेघवाल अनुसूचित मैं स्वयं संविधान रक्षक सह कोऑर्डिनेटर उदयपुर संभाग के पर मैं कार्यरत हूँ। मैं एक बार पुनः सभी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, और मैं एक बार पुनः फिर से मैं मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दूंगा कि ये मैसेज पूरे देश के अंदर आग की तरफ फैला दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उदयपुर में आयोजन की क्या तैयारी की और क्या होने वाला है? उदयपुर के अंदर आयोजन की बहुत बड़ी अच्छी तैयारी है, और उदयपुर के अंदर भी हमारी टीम जो है अम्बेडकर जयंती समारोह की टीम बहुत समारोह समिति की टीम जोरों तोरों से कार्य कर रही है, और इस कार्यक्रम को हम धूमधाम से मनाएंगे। और उदयपुर जिले में पूरे उदयपुर संभाग के अंदर भी हमने कल भी ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई थी वल्लभ नगर ब्लॉक स्तर के ऊपर, और बड़ी धूमधाम से मनाई थी। तो पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है।